अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करे थे। अब इसमें हम जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, इसमें हमने ग्रेट ट्रिपल पढ़ा था, उसके मुश्किल फाल जो मैंने आपको लिखवाए थे उसके अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपने इंडेक्स में चैप्टर का नेम लिखना है ग्रेट ट्रिपल, उसके बाद टीपी लिखना है, आप टाइटल पेज बनाएंगे एक पेज पे, और उसके बाद उसके नीचे लिखना है वर्ड्स मीनिंग, और उसके बाद लिखना है क्वेश्चन आंसर। ये इंडेक्स फिल करने के बाद सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने से पहले जो वर्ड्स मीनिंग जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको करवाई थी वो आपको कॉपी में करनी है, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए आपने ऐसी हेडिंग डाल दी क्वेश्चन आंसर, और साथ साथ लिखना है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज मिस्टर जिन्ना नोन एज कायदे आजम। मिस्टर जिन्ना क्यों पहचाने जाते थे, कायदे आजम के नाम से उनको क्यों कहते थे? तो उसका आंसर लिखेंगे बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान के बानी थे इसलिए वो कायदे आजम कहा जाता था उनको, और इसी नाम से वो पहचाने जाते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड अल्लामा इकबाल गो टू गेट हायर एजुकेशन, आला तालीम के लिए अल्लामा इकबाल कहाँ गए थे? तो उसका आंसर आप साथ साथ लिखेंगे ही वेंट टू इंग्लैंड एंड जर्मनी टू गेट हायर एजुकेशन, वो इंग्लैंड और जर्मनी गए थे अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए। इसके बाद हमारे ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी दैट कायदे आजम लेड, कायदे आजम ने जो पार्टी बाद में ज्वाइन करी थी और लीड करी थी उसका नाम क्या है? तो उसका बस सिंपल नाम लिख देंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड अल्लामा इकबाल एडवाइस द मुस्लिम ऑफ इंडिया, अल्लामा इकबाल ने जो मुस्लिम ऑफ इंडिया थे, इंडिया के मुसलमान थे, उनको क्या मशवरा दिया था? तो उसका आंसर लिखेंगे ही एडवाइस द मुस्लिम ऑफ इंडिया टू डिमांड अ सेपरेट स्टेट, उन्होंने वो मशवरा दिया था कि वो अलग मुल्क के लिए बोले, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह नहीं सकते। तो आपने ऐसे चार क्वेश्चन उतारने, उसके बाद आंसर लिखना है साफ सफाई से। ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलता है अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।